और जब आप ये अनुभव करते हो, जब आपको रोशनी दिखती है एंड देन उसके साथ साथ यू हैव मेनी अदर रेवलेशंस अंदर, तो आपको फिर अनुभव होता है कि आंखें बंद है, को टॉर्च लेके तो मार नहीं रहा आंखों पर, कि देयर समथिंग बियॉन्ड, के कुछ इन सेंसेस के आगे भी है। तो वो एक्सपेरिमेंट है, और जब वो होता है, अगर रिजल्ट आपको मिलता है तो आपको पता है कि इसके आगे कुछ और भी है। क्योंकि हर एक धर्म ग्रंथ हमें समझाता है कि पिता परमेश्वर के दो जाति रूप हैं, एक ज्योति और दूसरा श्रुति। इसी को शब्द कहा गया, इसी को नाम कहा गया। कभी साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कन मंदे। कि सबसे पहले परमात्मा था, उनसे नूर उत्पन्न हुआ। उसके दो रूप है, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। क्रिश्चियनिटी में भी आया, इफ योर आई बी सिंगल योर होल बॉडी शिल बी फुल ऑफ लाइट। कि अगर आपका ध्यान यहाँ टिकल है, इसको सिंगल आई बोलते हैं, या थर्ड आई, या दिव्य चक्षु, या शिव नेत्रा, कि यहाँ पे आपका ध्यान टिकेगा तो आपके शरीर जगमग जगमग हो जाएगा। और अलग धर्म ग्रंथों में भी ऐसी समझाया गया कि प्रभु के दो रो, ज्योति और श्रुति। तो एक्सपेरिमेंट करना है, उसका अनुभव करना है। अगर अनुभव होगा तो यकीन खुद ब खुद हो जाएगा, और अगर अनुभव नहीं हुआ और हम सोचे कि हम पढ़ लिख कर अपने दिमाग को बड़ा तेज कर कर पिता परमेश्वर को पालेंगे, तो वो नामुमकिन है। एक वाक्य कबीर साहब की जिंदगी का बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य, ये कहते हैं बहुत विद्वान पंडित होता था, और उस समय में उनके अंदर कॉम्पिटिशन होता था। आजकल भी कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, इन दोज डेज कॉम्पिटिशन वर मोर धर्म ग्रंथों के ऊपर। तो ये पंडित जी अलग अलग कॉम्पिटिशन सबको हरा के आते थे, इसको भी हरा दिया, लाइक स्मॉल सिटी में गए उनको हरा दिया, टाउन में गए उनको हरा। तो उसकी ईगो तो थोड़ी बढ़नी थी, ही केम होम, तो उसने अपना नाम कहा मैंने नाम बदल लिया, तो उसने अपना नाम सर्वजीत रख लिया कि मैं सबसे जीत के आ गया। तो घर में आके माता जी को कहता है मेरे को भी आप सर्वजीत बुलाया कीजिए। तो माता जी ने सोचा इसका तो दिमाग भ्रष्ट हो गया, इसको मैं कैसे समझाऊं कि ठीक है तेरे को किताबी ज्ञान है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बुलाऊंगी तेरे को, बट ना ऊपर वहां कुटिया में एक कबीरा रहता है, संत कबीर को कबीरा के नाम से बुलाया जाता था, कि तू उनको हरा के आ जा, मैं तो मैं मान जाऊंगी। तो उसने कहा उनको क्या हराना, इतना कोई मुश्किल है, मैं तो सब विद्वानों को हराया। तो अपनी पोथियां लेके चला गया उनके पास। तो कबीर साहब के पास पहुंचा, वो समाधि में थे, उठे तो उसने कहा कि मैं आपसे ये रिलीजियस क्वेश्चंस आंसर करने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा रीजन क्या है, उनका ऐसे ऐसे मैं सबको हरा के आया। तो मेरी माता जी ने कहा मैं आपको हरा हूं, तो उनका क्वेश्चन आंसर मैं लिख के दे देता हूं कि तुम जीते में आ रहा। तो उनका ठीक है, उनका उन्होंने लिख दिया कि सरब जी जीता कबीरा हारा। तो कागज लेके चला गया, अपनी मदर को दिखाया। तो मदर ने कहा बेटा मेरे को तो पढ़ना है, तू पढ़ के सुना दे। तो जब उसने पढ़ा तो वहां लिखा था सरब जी थारा कबीरा जीता। उन्हें सोचा ये कैसे हो गया, और कहा कबीर साहब ने लिख दिया, गलत मत बोला कुछ, मेरे को लिख कुछ छोड़ दिया, भागा भाग गया उनके पास। फिर कहता नहीं नहीं आपने तो गलत लिख दिया। तो कबीर साहब ने कहा तू खुद लिख ले। उन्हें लिखा कि सरब जी जीता कबीरा हारा। तो उन्होंने कभी तो साइन कर दिए, कागज लेके अपनी माँ के पास गया। माँ ने फिर कहा कि बेटा तू पढ़। पढ़ा तो हैरान हो गया, उसके पैरों से जमीन निकल गई। वहां पर जब उसने पढ़ा तो लिखा था कि सरबजीत हारा कबीरा जीता। भागा भागा आया, उनके पैर पड़ गया कि आपके पास कौन सा ज्ञान है। तो उस वक्त कबीर साहब ने फरमाया, कहते कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंकन की देखी। तो ये जरूरी नहीं कि पढ़ लिख जो जाएगा वो पिता परमेश्वर को ज्यादा पा सकता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं वो नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु को पाने का रास्ता इंटेलेक्ट का रास्ता नहीं है, दिमागी रास्ता नहीं है, मन का रास्ता नहीं है। और मन जो है वो तो तीसरी मंडल पे ही रुक जाता है, पिंडी मन है, आंडी मन है, ब्रह्मंडी मन है, ब्रह्मण के आगे जा ही नहीं सकता। तो प्रभु को पाने का रास्ता क्या है? प्रेम का।
तो ज्ञानी कौन है? जो प्रभु के प्रेम को जानता है, जो प्रेम का रास्ता तैयार करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता। हम लोग जब मन के दायरे में रहते हैं तो चीजों को और कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। यू नो, थ्योरी इजी है, सिस्टम्स आर सिंपल। कान को ऐसे ही पकड़ा जाता है, लेकिन लोग कान को घुमा के ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। व्हाई दे थिंक अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बड़ा अच्छा होगा। पिता परमेश्वर है, हम उनकी आत्मा है, आत्मा ने प्रभु का मिलाप करना है, प्रेम का रास्ता चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल। लेकिन हम क्योंकि पिता परमेश्वर को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो हम सोचते हैं ओहो उनको तो जानेंगे कैसे, वो तो बहुत बड़े हैं, उन्होंने सारी सृष्टि रची, सबका वो ख्याल करते हैं, हम बहुत छोटे उन्हें कैसे जानेंगे। लेकिन वी फॉरगेट कि अ पार्ट ऑफ गॉड इज इन अस, पिता परमेश्वर का एक हिस्सा है हमारे अंदर। और अभी क्या है कि हमारे ऊपर, उस आत्मा के ऊपर अलग अलग शरीर चढ़े हैं, पिंडी शरीर, ये जो बॉडी हम देख रहे हैं ये मैटर की बनी है, पांच तत्वों की बनी है, उसी में मिल जाती है। ये सबसे बाहर है, इसके अंदर अंडी शरीर, फिर ब्रह्मंडी शरीर, फिर पार ब्रह्मंडी शरीर। तो ये बड़ी बड़ी लाइटें, इन पे चार मोटे मोटे कमल पड़े होंगे, तो रोशनी कहां से आएगी? तो मेडिटेशन करने का तरीका है कि इन शरीरों को हम अलग करें। अलग तब होंगी जब हम इस शरीर से ऊपर उठ पाएंगे। और वो भाई बहन जो अभ्यास करते हैं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। ये तो सब धर्म ग्रंथों में सुनने को मिलता है कि दोज हु लव आर द वंस हु फाइंड गॉड। प्रभु से प्रेम करें कैसे? तो कबीर साहब ने बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है। वो फरमाते हैं, पहला आंगन बिरे का, पाछे प्रेम को प्यास। पहले तो ये हम रियलाइज करें ना, पिता परमेश्वर के हिस्से हैं, उनसे अलग हो गए। हमारी आत्मा पिता परमेश्वर का अंश है, लाखों करोड़ों साल हो गए हमें पिता परमेश्वर से अलग हुए। तो पहले तो ये रियलाइज करें कि उनका हमारा कोई रिश्ता नाता है। तो हमें एक कशिश हो, एक लगन हो पिता परमेश्वर को पाने की। जब एक कशिश होगी, लगन होगी, तभी उनके लिए प्रेम जागृत होगा। तो पहला आंगन बिरे का, पाछे प्रेम को प्यास, कहे कबीर तब जानिए नाम मिलन की आस। तो कह रहे हैं जब प्रेम के रास्ते पर चलेंगे तभी नाम के जरिए हम पिता परमेश्वर को पा सकेंगे। तो ये नाम क्या है? जिस शब्द कहा गया, नाम कहा गया, होली वर्ड कहा गया, ज्योति और श्रुति कहा गया, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा गया, क्रिएटिव पावर जिससे सारी सृष्टि रची गई, जो कण कण में समाई हुई है, वो हमारे अंदर भी है। आजकल क्योंकि साइंटिफिक टाइम्स हैं, साइंटिस्ट भी कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए कि इंसान बनता है और फिर मौत हो जाती है तो जिंदगी है क्या। तो उन्होंने बहुत सी रिसर्च करी है पता करने के लिए कि ये छोटे छोटे जो चीजें हैं जो मैटर को बनाते हैं ये है क्या। तो जैसे जड़ता में उन्होंने जब वो फिजिकल वर्ल्ड की ओर गए तो यहाँ पे मैटर ही उनको दिखाई दिया, उसी की रिसर्च करी। और बहुत सारी जो साइंस है वो जो ग्रीक फिलोसफर्स थे जो कई सौ साल पहले, उनकी बेसिस पे स्पेशली जो वेस्टर्न थॉट है बेस्ड है। और कोई 2000 साल पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जड़ता के ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी। जो ऋषि मुनि और जो रूहानियत की ओर जाते थे उन्होंने आत्मा के साथ एक्सपेरिमेंट करनी शुरू करी। और इंटरेस्टिंग ये है कि लगा के दोनों अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन पिछले 50 सालों में बहुत सी चीजें हो रही हैं जो कि लग रहा है कि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था हमें ये समझाया जाता था कि मैटर मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं, एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और ये सब चीजें सॉलिड है। आजकल की नई थ्योरीज यही समझा रही हैं कि जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को तोड़ा, उन्होंने और 12 छोटे 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 पार्टिकल मिले जिनको क्वार्क्स कहते हैं।
अकेला पार्टिकल 500 साल पहले मिला, उसे गॉड पार्टिकल कहा गया। उनको समझ नहीं आया कि क्या कौन सा पार्टिकल है, और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये सॉलिड नहीं, एक हलचल है, और हलचल इतनी ज्यादा है कि जो हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन थी उसको डिसाइफर नहीं कर सकी। अब एज एन एग्जाम्पल, जब आप मूवीज देखते हैं, प्रोजेक्टर पर मूवी देखते हैं, तो मूवी चल नहीं रही, वो एक फोटो आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती, चौथी आती है, बट ये हमारी आंखें हैं ये 18 फ्रेम्स पर सेकेंड से ज्यादा डिसाइफर नहीं कर सकती। तो जब 18 बारी 1 सेकेंड से ज्यादा चीज फेंकी जाती है, हमें लगता है ये चल रही है। तो हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन थी पहले की इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो देख सकती कि चीज सॉलिड है कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन और स्ट्रांगर हुई, तो अब वो बोल रहे हैं कि हर एक छोटे से पार्टिकल में भी वाइब्रेशन है। तो शब्द क्या है, वाइब्रेशन ही तो है। तो दिन ब दिन साइंटिस्ट भी उसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं जो कि महापुरुष कई सालों से हमें समझाते चले आ रहे हैं। और जब हम उसका अनुभव अपने अंतर में करेंगे, तो फिर हमें यकीन होगा कि प्रभु है, हमारे भीतर हैं, उनका अनुभव हम कर सकते हैं, और उन्हें हम प्रेम के रास्ते से पा सकते हैं। प्रेम क्या है, लफ्जों में तो बयान करना बहुत मुश्किल है, किताबें भी इस पे बहुत सी लिखी हुई हैं, लेकिन जब तक इसका अनुभव ना हो ये समझ में नहीं आ सकता। अगर आप प्रेम के ऊपर कोई किताब पढ़ें और सोचें कि आपको प्रेम हो जाएगा, वो नामुमकिन है। होता कैसे है, जब दिल में कुछ हलचल होती, कैसे कि कुछ है जो हमें किसी और खींचता है, तो प्रभु से प्रेम कैसे करें, जिनको इन आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, प्रेम कैसे करें। बार 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 जब हम सन्मत के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जिसने हमें मदद की पिता परमेश्वर को जानने की, पहचानने की, जब उनसे प्रेम करेंगे तो खुद ब खुद प्रेम पिता परमेश्वर से होगा। एज एन एग्जाम्पल, जैसे स्पेशली केमिस्ट्री की लैब में बड़ी बड़ी दो एलिमेंट्स होते हैं, मिलते नहीं, तो क्या आप, हमारे टीचर समझाते हैं कि एक आप कैटलिस्ट एजेंट डालिए जो कैटलिस्ट एजेंट दोनों को मिला देता है। तो हमारी हालत क्या है कि आत्मा इस शरीर में बैठी है, परमात्मा भी शरीर में बैठा है, लेकिन एक दूसरे को जान पहचान नहीं रहे, क्योंकि मन ने दीवार बना दी बीच में। तो एक पूर्ण महापुरुष सदगुरु का क्या काम है कि वो कैटलिक एजेंट के माफिक काम करते हैं और आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराते हैं। उनकी अपनी कमाई का हिस्सा जब हमें मिलता है, वो अपनी नजर कर्म करके, ये जो हमारा शिव नेत्र 10वां द्वार इसको खोलते हैं, और यही नामदान के समय होता है। जब ये खुलता है तो हम फिर अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाते हैं, और फिर उनका नूरी स्वरूप यहां टिका रहता है, ताकि हम जब भी अंदर मुड़े हमें उनकी मदद मिले और हम अंदर के मंडलों में उड़ान कर सकें। अब जब हिस्ट्री में देखते हैं, बहुत से संत महापुरुष जो कि पहले सगुन भक्ति में बिलीव करते हैं, सगुन भक्ति का मतलब होता है मूर्ति पूजा। अब मीराबाई जो थी, तो कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी, बहुत कुछ उन्होंने कृष्ण जी महाराज के प्रेम में लिखा हुआ है, लेकिन अगर जब उनकी आखिरी जिंदगी के बारे में जानकारी पाते हैं, तो उनकी जिंदगी में संत रविदास जी महाराज आए, उन्होंने उन्हें नाम की देन दी और अंदर की मंडलों में वो उड़ान करने लग पड़ी। तो उन्होंने लिखा है कि मीरा मन मानी सूरज सयाल आसमानी, उनका मैं तब मानी के अंदर भी को दुनिया, जब मेरी सूरत मेरी रूह अंदर की दुनिया में उड़ान करने गई, तो वो सगुन से निर्गुण भक्ति की ओर चले गई। निर्गुण भक्ति वो होती है कि किसी आकार में पिता परमेश्वर को बंद नहीं किया हुआ, वो तो अनलिमिटेड है, असीम है, उनके ऊपर कोई दायरा नहीं लगाया जा सकता, वो कण कण में समाये हुए हैं। तो हम हिस्ट्री में देखते बहुत से संत महापुरुष सगुण भक्ति से निर्गुण की ओर गए, तो सन्मत का रास्ता निर्गुण भक्ति के, पिता परमेश्वर सब जगह है, ये नहीं कि इस जगह है और उधर नहीं है, कि उनकी हम जानकारी पा सकते हैं, उसी में यकीन करता है।
तो हमारे सदगुरु हमें मदद करते हैं ताकि हम पिता परमेश्वर से जो हमारा रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग कर सकें, देख सकें। और जब उनसे लगाव हम करते हैं तो वो लगाव हमारा पिता परमेश्वर से करा देते हैं। उनका काम है कि हमारा ध्यान वो पिता परमेश्वर की ओर करें। वो आए इस धरती पर हैं कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर सकें। और कई जगह वो अपनी ओर इशारा भी दे देते हैं, जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। कि ऐसे महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं पिता परमेश्वर की ओर लगें। जब हमारा ध्यान, हमारी आत्मा, हमारी रूह पिता परमेश्वर की ओर होगी तो सब कुछ खुशियों से भरपूर रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। जो अंदर की खुशी हम पाते हैं वो सिर्फ उन क्षणों के लिए नहीं रहती जब तक कि हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक वो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। और फिर उसका आनंद सिर्फ हमारे तक ही नहीं रहता, जिन जिन से हम मिलते हैं, जो हमारे नज़दीक होते हैं, उन पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। और कबीर साहब ने इसके बारे में भी ये समझाया कि जो मुलाकात आत्मा की परमात्मा में होनी है, वो एक एग्जाम्पल दे के समझाया कि जब दिल मिला दयाल सो, कि जब हमारी आत्मा पिता परमेश्वर मिली तब कुछ अंतर ना है। तो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं है कोई भी, क्योंकि ये तो महासागर की बूंद ही हमारी आत्मा। तो वो एग्जाम्पल दे रहे कि पाला गली पानी भया, कि जैसे जो बर्फ है जब वो पिघलती है तो पानी बन जाती है, पानी में मिल जाती है। अगर ग्लास में अपने पानी डाले, कोई बर्फ डालो तो आपस में मिल जाते हैं एकदम से। और जो हरिजन हरि माए के, जैसे बर्फ पानी में मिलती है, ऐसे ही हम पिता परमेश्वर में जाकर लीन हो सकते हैं। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि ये शरीर मिला है अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें तो 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा होगा। नहीं तो कर्मों के विधान के नीचे हम जीते रहेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, और अलग अलग योनियों में हम जाते रहेंगे। तो ये एक सुनहरा मौका मिला है हमें अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ पूना में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, जो पिल्ली सेंची के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारा ध्यान वो पिता परमेश्वर की ओर करें, हम जिंदगी ऐसी जिए जो अहिंसा के रास्ते को अपनाए, प्रेम से जिए, करुणा से जिए, निष्काम सेवा भाव से जिए, प्यार से जिए, औरों के मददगार हों, सच्चाई से जिंदगी जिए, सद्गुणों को जिंदगी में डालें। अगर हमने पिता परमेश्वर को पाना है तो बाहर से ध्यान हटा के हम अंदर की दुनिया में जाएं, तो पिता परमेश्वर की दया में रहो कि हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ा सकें, ताकि जिस मकसद से हम सब इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद हम सबके लिए पूरा हो जाए।